हेलो जी, कैसे हैं आप सब? जैसा कि देख रहे हैं, ये मैंने मचान बनाई है अपनी बेल वाली सब्जियों के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने छत पे या दीवारों पे बेलों को चढ़ाया था, जिस वजह से मेरे को वो कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिले थे। इस वजह से बांस के डंडों से और जो घर में पड़े वेस्ट से मैंने ये छोटी सी मचान बनाई है, और एक यही वीडियो मैं आप तक शेयर करना चाह रहा था। इसकी हाइट मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 फीट रखी है, ताकि इसके नीचे जाके मैं आराम से अपने फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल मैं इस पे चढ़ाऊंगा बेले, वो मैं आसानी से तोड़ सकूं। और अब जैसा कि देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी मचान की, और अब ये तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद की वीडियो है। बेले इस पे चढ़ चुकी है। घिया, तोरी, कद्दू जो भी मैंने बेले इस पे चढ़ाई हुई है, और ये अच्छी खासी चल रही है। हालांकि पिछले काफ़ी टाइम से गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 40+ जा रहा है, बट ये फिर भी सरवाइव कर रही है, क्योंकि ये बांस के डंडे हैं। अगर यही लोहे के डंडे होते या मैं इसको दीवार पे चढ़ाता, तो उस वजह से बेलों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती, पौधों को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होता खुद को सरवाइव करने के लिए। देखिए, जैसा कि ये छोटे छोटे ग्रो बैग करेटों में मैंने इनको लगाया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो का अर्थ सिर्फ यही है कि ये वीडियो मैं इसलिए बना के छोटी छोटी आप तक शेयर करता हूँ, जो मैंने सीखा है अपने टेरेस गार्डन से। मैं चाहता हूँ आप लोग भी उस चीज़ों को मैं आप तक शेयर करूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार मैं सफल होता हूँ। कई बार जैसे मैं कोई भी पौधे लगाता हूँ, तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेहनत देखो करनी पड़ती है, और कई बार हमें उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, अच्छा फल मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता। गर्मी है, देख रहे हैं आप, जैसा कि मैंने इस पे ग्रीन नेट लगाया हुआ है, बट फिर भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमारे पौधों को, बट ये फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, इस तरफ भी मैंने एक छोटी सी मचान बनाई हुई है आर्च नुमा, जो घर के वेस्ट पाइपों से बनाई हुई है, और इस पे मैंने टिंडे की, और इस तरफ ये मैंने करेले की बेल चलाई हुई है, जो कि अच्छी खासी चल रही है। दोस्तों, वीडियो को मैं बहुत ही आसान और बहुत ही रो रखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चटक मटक वीडियो में बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ये मानना है जितना आसानी से मैं अपने टेरेस पे गार्डनिंग करता हूँ, उतनी आसानी से मैं वीडियो के माध्यम से आप तक चीज़ें शेयर करूँ, ताकि आपको भी आसानी से सारी बातें समझ में आए कि टेरेस पे गार्डनिंग करना और वेजिटेबल ग्रो करना खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही आसान है। और आप यकीन मानिए, मैं इस गार्डन पे, अपने टेरेस गार्डन पे इतनी सब्जियां ग्रो कर लेता हूँ जो हमारे परिवार के लिए काफ़ी होती है और ऑर्गेनिक होती है, जो हमारे और हमारे परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप तक लाता रहूँगा, और आपने मुझे लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसी तरह अपना ध्यान बनाए रखें वीडियो पे, और मुझे और मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहे, ताकि मैं और मोटिवेटेड होता रहूं और ऐसी ऐसी वीडियो आप तक शेयर करता रहूं। जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप तक साझा करता रहूंगा। और कैसी लगी ये वीडियो, मुझे लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब